कहा गया है। हालांकि सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि एक अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, लेकिन हम इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? उस शक्ति के साथ साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में, पैसा फेंक तमाशा देख, या जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है, इंसानों की जो MLAs और MPs बनकर आते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और पूरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल केंद्र से आ रहा है, वो देश के सामने अब स्पष्ट होता जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई संविधान की है। हम संवैधानिक तौर तरीके से शिवसेना लड़ रही है और अब NCP के साथ भी जो किया है, NCP भी, मुझे पूरी उम्मीद है, शरद पवार साहब काफी एक्सपीरियंस्ड सीनियर लीडर रहे हैं, उन्होंने काफी किरदार निभाए हैं, काफी रोल जिम्मेदारी से निभाए हैं, वो ये लड़ाई भी डट के लड़ेंगे। मैम एक दिन के लिए और